यहाँ पर हम लोग अभी एक्सरसाइज 6 का डिस्कशन कर रहे हैं, और एक्सरसाइज 6 के डिस्कशन में अभी हमने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे। ठीक है, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। चलो ठीक है, अब देखो आराम से। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 6 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो एक्सरसाइज 6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको हमने कॉपी कर लिया है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। चलिए, ये हो गया आपका एक्सरसाइज 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूले सीखने हैं। अगर फॉर्मूले सही से समझ में आ गए तो समझ लो काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये पहला एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन किसका है, ये एप्लीकेशन है 2 sin A cos B, जहां पर A की जगह क्या है 7 थीटा है और B की जगह क्या है 4 थीटा है। तो इसकी में हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, दिस इज साइन ऑफ A+B, यानी कि साइन थीटा प्लस 4 थीटा प्लस 7 थीटा, साइन ऑफ A+B प्लस साइन ऑफ A-B, यानी 7 थीटा माइनस 4 थीटा। तो ये कितना हो गया, साइन ऑफ 11 थीटा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा। देखो ये समझ में आया, सबसे पहला एप्लीकेशन आपको करके दिखाया, आगे समझ में? यस सर। तो हमने बेटा ये वाला फॉर्मूला लगाया है, दिस इज 2 sin A cos B, ये वाला फॉर्मूला लगाया है। तो 2 sin A cos B का फॉर्मूला होता है sin of A+B प्लस साइन ऑफ A-B। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले सारे फॉर्मूले आपके पास अब पहले से नोटेड हैं, तो इन फॉर्मूलों को आप जरूर ध्यान रखिए और इन फॉर्मूलों को एक एक करके आपको लगाना है। फिर हम लोग को नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करना है। हर बार यही करना है कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म दिया है, इसको सम या डिफरेंस में आपको ब्रेक करना है। अब हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ये वाला है। ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन को कंप्लीट करो। कैसे कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले अगर हमें कोई भी स्टैंडर्ड लगाना है, तो या तो वो 2 sin A cos B का है, या 2 cos A sin B का है, या 2 cos A cos B का है, या 2 sin A sin B का है। तो सबसे पहले यहां पर कॉस ए साइन बी तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं मल्टीप्लाई है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2 cos 6 थीटा sin 2 थीटा। उसके बाद स्टैंडर्ड लगाना अप्लाई कर देंगे। कैसे स्टैंडर्ड लगाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1/2। ये क्या लिखा है, ये लिखा है 2 cos A sin B। 2 cos A sin B क्या होता है बताओ बेटा, 2 cos A sin B क्या होता है, ये होता है sin of A+B माइनस साइन ऑफ A-B, यानी कि 6 थीटा माइनस 2 थीटा। तो ये मैंने अभी कौन सा स्टैंडर्ड आपको सिखाया, ये वाला स्टैंडर्ड सिखाया है। तो उस वाले स्टैंडर्ड को सिखाने के साथ साथ मैंने आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट किया है। इसको आप फर्दर और भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1/2 (ब्रैकेट), ये हो जाएगा sin of 8 थीटा माइनस साइन ऑफ 4 थीटा। क्या यहां तक समझ में आ गए? तो यस सर। ये काफी आसान है, जैसे ही कॉपी में लिखोगी ये फॉर्मूले अगर नोट डाउन किए हैं तो क्वेश्चन आपसे जल्दी जल्दी होने लगेंगे। तो अभी हमने सेकेंड वाला पार्ट किया था। सेकेंड वाला पार्ट करने के बाद हम लोग थर्ड वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमारा थर्ड वाला पार्ट ये है, इसमें भी आपके पास ये प्रोडक्ट दिए हुए हैं और प्रोडक्ट को आपको सम या डिफरेंस में ब्रेक करना होगा। तो ये आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको मैंने फिर से आपकी स्क्रीन पे कॉपी कर दिया है। चलिए ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है 8 cos 5 थीटा by 2 cos थीटा by 2, ऐसा यहां पर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, 8 cos 5 थीटा by 2 into cos थीटा by 2। तो ये कौन सा स्टैंडर्ड है, तुम कहो कि सर ये स्टैंडर्ड मिलता जुलता है 2 cos A cos B के साथ। तो 2 cos A cos B वाला स्टैंडर्ड ये लिखा हुआ है, तो हम ये वाला स्टैंडर्ड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसमें 2 को सेपरेट करना होगा। तो सबसे पहले हम 2 को सेपरेट कर लेते हैं। तो हमने 4 को बाहर कर दिया और 2 के साथ लिख दिया 4 into 2 cos 5 थीटा by 2 cos थीटा by 2, इस तरह से हमने लिख दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 cos A cos B, और 2 cos A cos B क्या होता है, ये होता है cos of A+B प्लस cos of
ए माइनस बी, ये होता है टू कॉस ए कॉस बी। तो स्टैंडर्ड ऊपर लिखा हुआ है टू कॉस ए कॉस बी का, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, इसमें फोर मल्टीप्लाई किया हुआ है। कॉस के साथ क्या आ जाएगा, फाइव थीटा प्लस थीटा सिक्स थीटा बाई टू यानी कि थ्री थीटा, फाइव थीटा माइनस थीटा फोर थीटा बाई टू यानी कि टू थीटा। जरा चेक करो बेटा यहां तक समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं लग रही है, क्योंकि अभी भी हम स्टैंडर्ड ही आपको सिखा रहे हैं कि फॉर्मूलों के एप्लीकेशन हमें एक्सरसाइज सिक्स में किस तरह से करने होते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले अगर आपको लगाने आ जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री धीरे धीरे फिर चलने लगती है। चलिए अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अभी हम पास एक्सरसाइज सिक्स में ही है अभी हम लोग, और अभी हम लोग फोर्थ वाला क्वेश्चन अब कंप्लीट करेंगे। ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया, पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट अब हम लोग कंप्लीट करते हैं, उसको पहले यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसको कंप्लीट करना चालू करते हैं। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है साइन ए साइन बी। तो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या कहता है कि भैया पहले उसको टू साइन ए साइन बी बताओ। तो स्टैंडर्ड कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है टू साइन ए साइन बी, तो टू साइन ए साइन बी के फॉर्म में पहले आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें टू से मल्टीप्लाई करोगे और टू से डिवाइड करोगे। तो ये हमने इस तरह से टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया थ्री बाय फोर इंटू ब्रैकेट टू साइन फोर थीटा साइन थीटा। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। तो ये क्या हो गया थ्री बाय फोर टू साइन ए साइन बी। टू साइन ए साइन बी क्या होता है, ये होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ये हो गया टू साइन ए साइन बी, दिस इज कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये स्टैंडर्ड कौन सा था, ये देखो ऊपर स्टैंडर्ड ये लिखा हुआ है, इस वाले स्टैंडर्ड को लगाया हुआ है। तो अब हम इसको ध्यान से लिखेंगे, लिखेंगे थ्री बाय फोर टाइम्स कॉस फोर थीटा माइनस थीटा यानी कि कॉस थ्री थीटा हो गया, माइनस कॉस फोर थीटा प्लस थीटा यानी कि फाइव थीटा हो गया। तो अभी तक हमने आपके पास सिर्फ चार फॉर्मूलों का डिस्कशन किया है, एक है टू साइन ए कॉस बी, एक है टू कॉस ए साइन बी, एक है टू कॉस ए कॉस बी और एक है टू साइन ए साइन बी। तो ये चारों फॉर्मूले आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं, जिसका एप्लीकेशन आपने काफी बेहतर तरीके से किया है, तो आपको ये चारों फॉर्मूले याद रखने होंगे। समझ में आ गया बेटा, यस ओके। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के साथ। अब क्वेश्चन नंबर टू के लिए सबसे पहले हम एक पेज क्रिएट करेंगे, तभी हो पाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेज क्रिएट कर लेते हैं, तो पेज हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको फॉर्मूले आ गए हो, तो आप यहाँ पे खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। इसको देख करके आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ फॉर्मूला कौन सा होगा, टू साइन ए कॉस बी। और टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला सारे बच्चे जानते हैं, तो पहले आप लिख लीजिए कि वॉट इज टू साइन ए कॉस बी। तो सारे बच्चे बोल के बताएंगे, ये फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी होता है, ये पहला वाला था, ठीक है। चलिए तो टू साइन ए कॉस बी, अगर आप भूल गए तो टू साइन ए कॉस बी ध्यान से देखिए, ये पांचवें नंबर ए माइनस बी यानी फाइव पाई बाई ट्वेल्व माइनस फाइव बाई ट्वेल्व, ये समझ में आना चाहिए। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो यहां पे बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि ये बन जाएगा सिक्स पाई बाई ट्वेल्व, और सिक्स पाई बाई ट्वेल्व कितना हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा, फोर पाई बाई ट्वेल्व, और फोर पाई बाई ट्वेल्व का मतलब क्या होता है, पाई बाई थ्री होता है। तो साइन पाई बाई टू का मतलब साइन 90 डिग्री होता है, इसकी वैल्यू होती है वन, और साइन पाई बाई थ्री यानी कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू, ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। समझ में आया बेटा कैसे किया, यस सर, लिख रही हो ना कॉपी में, यस सर, बट अभी मतलब थोड़ा हाँ जितना फास्ट है, जितना
जितना मैं देख पा रही। हाँ, तो स्पीड हम धीरे कर देते हैं। तुम देखो, अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे तो हम बहुत धीरे धीरे करेंगे। पहले चेक करो कि हमने सेकंड क्वेश्चन किया है, और सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, जो तुमको फॉर्मूले सिखाए थे उनका हमने यूज किया और कुछ भी नहीं यूज किया। ठीक है, ये वाला स्टैंडर्ड अभी हमने यूज किया। हाँ, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है अगले क्वेश्चन में? साइन ए कॉस बी। तो तुम बताओ कि साइन ए कॉस बी तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन साइन ए कॉस बी को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसमें टू से मल्टीप्लाई और टू से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला बच्चों रेडी हो गया, टू साइन ए कॉस बी का। टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है टू साइन ए कॉस बी का, दिस इज साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये होता है बच्चों। तो ये हो गया 1/2। अंदर क्या आया? 115 + 25 कितना हुआ? 5 और 5 कितना हुआ? 10 हुआ। दो और एक 140। तीन और एक 4 हुआ, तो ये हो गया 140। फिर आगे क्या आया? साइन ऑफ माइनस। हाँ, कितना आया? 5 में से 5 गए 0। 11 - 2 कितना हुआ? 9। यानी कि आ गया -90। और बच्चों, मैंने आपको अलग से पहले से सिखा रखा है कि भैया आपको पता होना चाहिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है। ये माइनस साइन थीटा होता है, ये आपको याद रखना होगा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब ये बच्चों बन गया साइन 140, और माइनस बाहर निकल जाएगा तो ये माइनस साइन 90 हो जाएगा। आंसर जो आ रहा है उसमें -1 तो आ रहा है, लेकिन साइन 40 नहीं आ रहा है। तो आप क्या करोगे, ये जो साइन 140 है, उस 140 को आप कैसे लिखोगे? 140 को आप लिख सकते हो 180 - 40। क्या लिख सकते हो? 140 को क्या लिख सकते हो? 180 - 40। ये कौन सा रूल होता है? ASTC रूल होता है। ASTC रूल सभी को पता ही है पहले से, कि यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है। तो 180 - थीटा यहाँ पर होता है, और 180 - थीटा पे अगर हम साइन लेते हैं या कॉसेक लेते हैं तो पॉजिटिव होता है। तो हमने 140 को क्या लिख दिया? 180 - थीटा के फॉर्म में लिख दिया। तो साइन ऑफ 180 - थीटा कितना होगा? साइन थीटा हो जाएगा, तो ये साइन 40 बन जाएगा। और अगर हम यहाँ पे वैल्यूज प्लेस कर देंगे तो ये बन गया साइन 40 - 1। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। जरा चेक करिए, आपको समझ में आया? यस सर। अभी कौन सा स्टेप नहीं क्लियर है तो वो भी हमको क्लियर कर देना, तो वहां पे हम रुक करके बताएंगे। क्लियर नहीं सर, ये क्लियर हो गया। है अच्छे से? यस सर। ओके। ठीक है, अच्छे से क्लियर है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। नहीं, 3 वाला तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, अब हम लोग क्वेश्चन 4 करेंगे। तो पहले क्वेश्चन 4 को आप पहले कॉपी करवाएंगे आपसे और फिर कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ बी प्लस सी साइन ऑफ बी माइनस सी, कॉस ऑफ सी प्लस ए कॉस ऑफ सी माइनस ए इक्वल टू 0। ये आपको बताना है कि ये 0 कैसे आएगा, इसको प्रूफ करके 0 लाना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे ना, उन फॉर्मूलों को ध्यान से देखिए। उस फॉर्मूले भी अभी हम दो फॉर्मूले आपके एड ऑन करेंगे, सारे बच्चे ध्यान दें। तो हम टोटल 10 फॉर्मूले अभी कर देते हैं। 8 हमने आपको ऑलरेडी बताए हुए थे, उसमें से अभी हम एड ऑन कर रहे हैं 2 फॉर्मूले। ठीक है,
ठीक है, चलिए दो फॉर्मूले हम एड ऑन करते हैं। फॉर्मूला नंबर 9, यहां ध्यान से देखेंगे बस सारे बच्चे। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ध्यान से देखिएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सारे बच्चे ध्यान देंगे। उसके बाद होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये क्या होता है बच्चों? ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखें, यहां से मैंने आपको स्टैंडर्ड्स जो भी बताए हैं, दो स्टैंडर्ड मैंने आपके बढ़ा दिए और मैंने एक लाइन भी ड्रॉ कर दी है ताकि सारे स्टैंडर्ड 10 के 10 स्टैंडर्ड आपको एक साथ नजर आए। तो अभी मैंने क्वेश्चन करने के लिए एक स्टैंडर्ड और लिखा हुआ है, दिस इज साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ये क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड की डिमांड कर रहा है। कौन सा स्टैंडर्ड की? जो मैंने अभी आपको लिख के बताया। क्या यूज करेंगे इसमें हम लोग, लिख देता हूं मैं इसमें करूंगा यूजिंग साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ये क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये होता है। तो सारे बच्चों को ध्यान देना होगा यहाँ पे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होगा? दिस इज, लगाओ बेटा यहां पर, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फिर बेटा तविशी यहां वाले में लगाओ, साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर साइन बी माइनस साइन स्क्वायर सी। यस। फिर नेक्स्ट वाले में फिर से लग जाएगा सिमिलरली, क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरह से बन के क्रिएट हो जाएगा। जब ये क्रिएट हो जाएगा तो आप ध्यान से देखिए सारे टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है? और सारे टर्म्स अगर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आपने एक स्टैंडर्ड अभी और सीखा, जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ओके करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करें। यस सर। हाँ, तो स्टैंडर्ड को याद भी करो साथ में। दिस इज साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, दिस इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करते हैं। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 5। पहले आप इसको कॉपी में नोट करें ढंग से, फिर मैं इसको कंप्लीट करता हूं। यस सर। हो गए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस इज टू कॉस ए कॉस बी। टू कॉस ए कॉस बी क्या होता है? इसमें स्टैंडर्ड लगाइए, टू कॉस ए कॉस बी का क्या स्टैंडर्ड लगेगा? दिस इज कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो टू कॉस ए कॉस बी का स्टैंडर्ड मैंने आपको पहले से ही बता रखा था, तो मैंने इस क्वेश्चन में लगा दिया। बाकी सारे टर्म्स मैंने एक साथ लिख दिए और हमको प्रूफ करके इसको 0 दिखाना। ये हो गया 9 पाई प्लस 5, कितना हो जाएगा? 10 पाई बाई 13 है ना। फिर हो जाएगा पाई माइनस 9 पाई। पाई माइनस 9 पाई कितना हो जाएगा? माइनस का 8 पाई बाई 13। और बाकी सारे टर्म एक एक साथ लिख देते हैं। कॉस ऑफ 3 पाई बाय 13 हो गया प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाय 13 हो गया।
और बच्चों जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि साइन ऑफ माइनस थीटा एस माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा एस कॉस थीटा होता है. क्या होता है? कॉस ऑफ माइनस थीटा एस कॉस थीटा. तो यहां तक आपको बात क्लियर होनी चाहिए. अब आप टर्म्स को कंबाइन कर लो. एक टर्म है आपका 10π/13 के साथ आप ले लो cos 3π/13. ध्यान से देखिएगा, ये जरा स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट है. और 8π/13 के साथ आप ले लो 5π/13. यहां पे ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि 10π/13 और 3π/13 का सम जो आएगा 13π/13 आएगा. वैसे ही 8π/13 और 5π/13 का भी सम कितना आएगा? 13π/13 आएगा, यानी कि पाई हो जाएगा. तो हमने सिमेट्रिकल एंगल्स कंसिडर किए ताकि मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर पाऊं कि 10π/13 प्लस 3π/13 इसका सम कितना आ रहा है? पाई. 8π/13 और 5π/13 इनका भी सम कितना आ रहा है? पाई आ रहा है ना. तो आपको ध्यान देना होगा कि कॉस ऑफ 10π/13 मैंने एज इट इज लिखा, लेकिन 3π/13 को मैंने लिख दिया पाई माइनस 10π/13. मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3π/13 को. उसी तरह से 8π/13 को मैंने एज इट इज लिखा और 5π/13 को मैंने लिख दिया पाई माइनस 8π/13. जरा यहां तक सारे स्टेप्स देखिए, आपको क्लियर हो गए? यस सर। यहां तक के सारे स्टेप्स उनको क्लियर होने चाहिए अच्छे से. यहां तक के सारे स्टेप्स अगर आपको क्लियर है तो यहां पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. आप ASTC इतना जानते हैं उतना यूज कर लीजिए. कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम किसी का भी साइन या कॉसेक लेते हैं तो पॉजिटिव होता है. हम यहाँ पे कॉस ले लें तो नेगेटिव होगा. तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होगा? ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा. अगेन कॉस 8π/13. कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा अगेन कितना होगा? माइनस का कॉस थीटा. इस तरह से ये हो जाएगा. तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा. तो ये आपको बात पूरी समझ में आनी चाहिए. जरा चेक करिए, अभी भी कोई दिक्कत हो तो हमको बताइए. साइन ऑफ पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम किसी का भी कुछ भी नहीं तो साइन और कॉसेक वो तो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ नेगेटिव होता है. इसलिए कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया. ओके सर, आ गया। ठीक है. ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा जीरो. चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं. दिस इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. क्या लिखा है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. क्या होता है? अभी मैंने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी. ये होता है. तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, अगर आप इसको यहां पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी है ना इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी. इंटू होता है बीच में, इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी. और ये जैसे ही लिखेंगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 10x इंटू साइन ऑफ 2x. हो गया प्रूफ. कितना आसान था. तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया.
ओके सर, हाँ हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स भी हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। तो पहले आप खुद से सोचिए कि क्वेश्चन नंबर सेवन को हम कैसे करने वाले हैं। तो अभी हमने दो आइडेंटिटीज सीखी थी और दोनों आइडेंटिटीज मैं आपको दोबारा बताता हूं। अभी हमने सीखी थी कि साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, क्या सीखी थी हमने, ये होती है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये साइन मैंने बोथ वेज का साइन बनाया है, यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को भी हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, या साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी को भी हम साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। उसी तरह से मैंने अभी बताया था कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी और मैंने बताया था ये होती है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं होती है, ये होती है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होती है। तो यही दो मैंने आपको बताई थी। अगर आप यहाँ पे लगाएंगे कैसे ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी था तो डायरेक्टली दिख रहा था, लेकिन नीचे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी नहीं है, नीचे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि अगर हम ये वाली दो आइडेंटिटी लगाएं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। तो तुम कहोगे सर एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो सर आप एक काम करिए ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना इसको आप लिख दीजिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा वाला भी जो सर कॉस स्क्वायर थीटा है उसको लिख दीजिए आप वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दीजिए सर। तो सर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, थीटा की जगह यहाँ पर क्या काम कर रहा था टू एक्स, और यहाँ पे वन कॉस स्क्वायर थीटा है, फिर से वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, माइनस मैंने ओपन कर दिया तो वन से वन क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मैंने आइडेंटिटी यूज कर ली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, मतलब आप कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, एक में थीटा आपका टू एक्स है, एक में थीटा आपका सिक्स एक्स है। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको तुरंत स्ट्राइक करेगा कि यार ये तो क्वेश्चन हो गया है ना, ये तो क्वेश्चन हो गया, दिस इज साइन स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर टू एक्स, तो हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कितना हो गया, दिस इज साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ये हो गया। उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एट एक्स इंटू साइन ऑफ फोर एक्स, ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जरा चेक करिए आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर ठीक है, तो क्लियर है, तो मैं यहाँ पे अब हेल्प थोड़ा सा बंद करूंगा। अब आपको सोचना पड़ेगा कि अगला क्वेश्चन आपको करना है और अगला क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, जल्दी से उसको कंप्लीट करके दीजिए। चलो देखो कैसे करें, कंप्लीट करिए इसको। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करना। सबसे पहले अगर आपको न्यूमिरेटर में दिखाई दे रहा हो तो न्यूमिरेटर में लिखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो मैंने अभी बताया कि भैया कि कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी तो होता ही नहीं है, या तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी होता है, या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी होता है, तो ये दोनों में नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसको पहले बदलेंगे। सबसे पहले हम कॉस स्क्वायर 33 को क्या लिखेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर 33। उसी तरह कॉस स्क्वायर 57 को क्या लिखेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर 57, ये लिखेंगे, ये समझ में आना चाहिए। हाँ नीचे तो फॉर्म पहले से बना है, जैसे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये तो बहुत आसान हो गया, ये हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर 33 इज वन माइनस साइन स्क्वायर 33, अगेन कॉस स्क्वायर 57 इज वन माइनस साइन स्क्वायर 57। तो यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद सीधा आपको न्यूमरेटर दिखाई देगा साइन स्क्वायर 57 माइनस साइन स्क्वायर 33, नीचे सम कितना आया बेटा, दिस इज 9 प्लस 1 हो गया 10,
सिक्स प्लस टू एट, और एक कैरी नाइन, 90/2। और ये वाला कितना आया माइनस में, 9 - 1 कितना आया, 8, और 6 - 2 कितना हुआ, 4/2। तो ऊपर क्या बना, ऊपर बना साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या लगेगा, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। नीचे क्या है, साइन 45 हो गया, वो तो 1/√2 होता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ब्रैकेट के अंदर जो -48/2 है उसको लिख दो -24, और साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, यानी कि -sin 24। उसके बाद साइन के ब्रैकेट में क्या है, 7 और 3 10, 5 और 3 8, और 1 9, sin 90 हो गया। और ये क्या है, साइन 7 में से 3 गया 4, 5 में से 3 गया 2, sin 24 हो गया। नीचे क्या आया, माइनस का साइन 45 इंटू sin 24। तो तुम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि sin 24 से sin 24 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। sin 91 है और sin 45 हो जाएगा 1/√2, तो ये वैल्यू हो जाएगी -√2। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, हो गया। इसको चेक करो सही से। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन भी लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत ही इजी है, फिर से 9th वाले पार्ट में वही पार्ट रिपीट करना है जो हम लोग ऑलरेडी करते आए हैं। तो ये 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, पहले आप इसको भी कंप्लीट करिए। भले चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है इसमें, 2 sin 15 cos 75, तो हो गया 2 sin a cos b। तो 2 sin a cos b क्या होता है, ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। समझ में आया? यस सर। तो ये कितना बना, साइन ऑफ 5 और 5 10, 7 1 8, 1 9 प्लस साइन, ये कितना आया, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 1 गए 6। sin 90 कितना होता है, 1। sin 60 होता है माइनस का है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 - sin 60। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। ये हो गया 1 - √3/2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - √3/2, और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। कितना आसान था। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, सेकंड पार्ट। क्या लिखा है सेकंड वाले पार्ट में, दिस इज 2 cos a sin b। 2 cos a sin b क्या होता है, ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो कितना हो गया, साइन 60
30 कितना आ गया, साइन 60 कितना होता है, √3/2, कॉस 30 कितना, साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो कितना आ गया, √3 -1/2। चेक करो इतना कंप्लीट कर लिया था। यस सर। ठीक है, तो ये लास्ट के दो क्वेश्चंस हैं, इनको आप जल्दी से कंप्लीट करिए। ये लास्ट के दो क्वेश्चंस, तो जल्दी से बताइए। टू कॉस ए साइन बी क्या होता है? दिस इज साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये कितना हो गया, साइन 60, ये कितना हो गया 30। साइन 60 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आंसर आ गया। चलिए थर्ड वाला देखिए, क्या लिखा है, टू कॉस ए कॉस बी, क्या स्टैंडर्ड होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी, 22.5 को क्या लिखेंगे, 45/2, और इसको क्या लिखेंगे, 2 7 14, 2 6 12, 30, 134 + 1, 135/2, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, कितना है ये सम, 5 और 5 10, 4 और 3 7, और 1 8, 1/2 प्लस कॉस ऑफ, 5 में से 5 गए 0, और 13 में से 4 गए 9, माइनस का 90/2। देखो समझ में आया, ये हो गया यस कॉस ऑफ 90, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cos 45, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और cos 45 होता है 1/√2, तो आंसर आ जाएगा फाइनली 1/√2। तो अभी हम लोगों ने एक एक्सरसाइज पूरी सफलतापूर्वक कर ली।